आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तथा मिनी बहनों का आज के आंगनबाड़ी वीडियो में स्वागत है। तो बहनों, आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र में अपने लोकेशन को अपडेट कर लें, और जिन लोगों को समझ में ना आए तो उनके लिए मैंने वीडियो भी बना के रखी है। आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी में लोकेशन कैसे अपडेट करना है। तो बहनों, ज़माना बहुत ख़राब है, जिसके लिए आप लोग हमेशा सतर्क रहा करें, क्योंकि एक बार फिर से फर्जी नंबर के कॉल आने से आंगनबाड़ी बहन के खाते से 3000 रुपये कट गए हैं। तो यह पूरा मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। बहनों, एक नंबर से फर्जी कॉल आ रहा है। नंबर हम चाह के यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे हैं YouTube की वजह से, लेकिन कोई भी ऐसे फर्जी कॉल आए जिसमें आपसे यह बोला जाए कि गर्भवती के पास की कोई भी पर्सनल जानकारी है आपको, तो वह चीज़ आप ना दें। अगर वह फर्जी फ़ोन करने वाले आपसे बोलता है गर्भवती की कोई पर्सनल जानकारी, जैसे कि आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट नंबर है, ऐसी जानकारी, तो यह न दें। इस संबंध में आपके ज़िले के सभी हितग्राही को भी यह जानकारी प्रदान कर दें, खासतौर से गर्भवती और धात्री महिलाओं को, क्योंकि इस बार फर्जी नंबर से कॉल करने वाले आंगनबाड़ी बहनों की जगह गर्भवती महिलाओं तथा धात्री महिलाओं को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। वह यह बोलते हैं कि आपकी डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हुई है, तो आपको अब 3000 रुपये जो है कि आपको मिलेंगे, जिसके लिए आपको अपना अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा, OTP बताना पड़ेगा, जिसके चक्कर में एक हितग्राही के 3000 रुपये निकल गए थे। अत्यंत गंभीर यह मामला है, सभी लोग फर्जी कॉल अटेंड ना करें।